गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका की खोज किसने की थी, किस सन में हुई थी, किसके अंदर की गई थी, इसके बारे में चर्चा की थी। और आज अपन कोशिका के प्रकार के बारे में करेंगे। तो कोशिका को ऐसे तो दो प्रकार से बांटा गया, एक तो जीवों के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो संरचना के आधार पर पढ़ रहे हैं। और संरचना के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रोकैरियोटिक, जिसे कहते हैं असीम केंद्रीय। एक है यूकैरियोटिक, जिसको कहते हैं ससीम केंद्रीय। असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय, इसकी हिंदी अपन कह सकते हैं इसकी हिंदी है, जबकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है वो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यानी कि असीम केंद्रीय, और असीम का मतलब होता है, असीम का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। क्या मतलब होता है? अस्पष्ट, अस्पष्ट। ठीक है, तो यहां पर अस्पष्ट का मतलब क्या हुआ कि जिसका केंद्रीय ना होता है केंद्र, ठीक है ना, जिसका सेंट्रल पार्ट। तो ऐसा ऐसी कोशिका है जिसका केंद्रीय पार्ट क्या हो, अस्पष्ट हो। ठीक है ना, स्पष्टता नहीं हो उसके अंदर, वो सही से दिख नहीं रहा अपने को, वो क्या कहलाएगा, असीम केंद्रीय। और ससीम का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट यानी कि जिसका केंद्र जो है वो क्या हो, स्पष्ट हो, हमें स्पष्ट दिखाई दे, वो एक निश्चित परिधि से परिबद्ध हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, अब इसमें अंतर देख लेते हैं, फिर मैं आपको संरचना के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले पहली बात हो जाती है, अस्पष्ट केंद्र पाया जाता है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर, जबकि स्पष्ट केंद्र पाया जाता है इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर। फिर कोशिकांग, कोशिकांग का अंतर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाएं, अंतःपत्र जालिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको इंग्लिश में। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा लाइसोसोम, एक्रोसोम, इस तरह से कई प्रकार की एंजाइम्स और कई प्रकार के ऐसे अंग पाए जाते हैं। ठीक है ना, गॉल्जी बॉडीज हैं, ठीक है ना, गॉल्जी का जो है, इन सभी अंगों की अनुपस्थिति इसे पाई जाती है प्रोकैरियोटिक, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी अंग जो है उपस्थित होते हैं, सभी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है राइबोसोम के प्रकार। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 47 प्रकार के और 80 प्रकार के। ठीक है, इसको आगे और चर्चा में लेंगे अपन। तो 47 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो केवल और केवल प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, मतलब नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल और केवल 47 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम जो है प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा ये एक कोशिकीय जीव में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जो सिंगल सेल बॉडी होती है ना, मतलब ऐसा जीव जिनमें एक ही कोशिका होती है, जबकि हमारी बात करें तो हम करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। बहुत सारे जीव आपने देखे होंगे अपने आसपास, गाय, भैंस, कीड़े मकोड़े को देखा होगा, वो सब बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय ऐसे जीव जिनकी पूरा शरीर जो है वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है, उसका पूरा बॉडी जो एक कोशिका, एक कोशिकीय कहलाते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय के अंदर ज्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका ज्यादातर सिंगल सेल क्या होते हैं, एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तरीके से जीव होते हैं, जबकि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो बहुकोशिकीय जीव, जैसे हमारे अंदर पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर पाई जाती है। फिर है, इनमें ऊर्जा के निर्माण के लिए मेसोसोम पाया जाता है। मेसोसोम कहाँ होता है बताऊंगा आपको चित्र में, लेकिन इनमें ऊर्जा के लिए मेसोसोम होता है, जबकि हमारे पास स्पष्ट एक अंग होता है जिसका नाम है, एक कोशिकांग होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो हमें क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है, हमारी कोशिका के अंदर ऊर्जा को संचित करने का काम करती है, इसलिए इसको पावर ऑफ कहा जाता है। इसके अलावा इसमें उदाहरण जो है, जैसे मान लीजिए एक कोशिकीय जीव में निर्हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बाद यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। ठीक है, जबकि इधर बहुकोशिकीय जीवों में जितने प्रकार के आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं, कोई भी गाय, भैंस, चूहा, बिल्ली, बकरी, जो भी छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े मकोड़े, इसके अलावा पादप के छोटे पादप, बड़े पादप, जितने प्रकार के पादप हैं, उन सब में यूकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है, कुछ शैवाल को छोड़कर। ठीक है, शैवाल भी कुछ मात्रा में पादप के अंदर ही रखे जाते हैं। ठीक है, आगे की बात करें, चित्र की बात करें, तो देखिए इसका चित्र इस तरह से होता है, ये इस तरीके से और भी होगी, इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसके अलावा एक और पाप होता है, लेकिन उसकी आपकी जरूरत नहीं अभी, अभी आप इतने ठीक कहते हैं,
इसको अपन क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली थोड़ा सा इसको ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये कोशिका झिल्ली जो है वो आप कई जगह को जाकर के वर्ण ले लेती है, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोसोम। जो क्या काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीकरण का काम करते हैं, ऊर्जा को संचित करने का, ऊर्जा के निर्माण का कार्य करते हैं मीजोसोम। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, और ज्यादातर इनमें आरएनए पाए जाते हैं, ये उसके इसके गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र में डीएनए कम होता है, ज्यादातर आरएनए या डीएनए पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली अस्पष्ट, केंद्रक झिल्ली क्या है, अनुपस्थित है, ये सबसे बड़ा अंतर है इसमें। केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती, सबसे बड़ा अंतर है। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम। ठीक है, जबकि इधर देखिए यहां पर इस कोशिका की बात करें अपन, इसको गोले में लेते हैं, ये इस तरीके से जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा की क्या बाकी किसी कोशिका की बात करें, वो तो अमीबा की तरह हो गया। ये इसमें क्या होता है, पहली बात तो जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली बिल्कुल स्पष्ट होगी, ये तो होगी केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के अंदर, ठीक है, ये हो गया गुणसूत्र जिसमें डीएनए और आरएनए होंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये आपके अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसी में इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये है गोल्जी बॉडीज, ये दोनों गोल्जी का है, क्या है, गोल्जी का है। ठीक है, इनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं, वो अपन आगे जब आप बड़ी क्लास में आओगे तब पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसके बाद ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये हो गए लाइसोसोम। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए अंदर की तरफ तो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, केंद्र के अंदर की तरफ, और केंद्र के बाहर इसमें पाए जाते हैं 80S प्रकार के। ठीक है, ठीक है, केंद्र के अंदर 70S प्रकार के और केंद्र के बाहर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम हो गए, लाइसोसोम हो गए, गठिया हो गए, अपन बात करें ये हो जाएगी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बाहर की तरफ, और कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है,
ये हो जाएगी कोशिका भित्ति, ठीक है, और ये अंदर की तरफ वाली क्या हो जाएगी कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ। इस तरीके से इन दोनों कोशिकाओं में अंतर है और इन दोनों कोशिकाओं के बारे में आपको चर्चा कर दी। अभी क्लास छुट्टी होगी, ठीक है।